हेलो गाइज, माई सेल्फ विपिन तोमर, यू आर वॉचिंग विपिन क्रेजी इन्फो। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी क्वारी आ रही है। जैसे LPT हो चुका है, साथ में मेडिकल टेस्ट भी हो चुका है। अभी जानना चाहते हैं कि LPT टेस्ट में पास होंगे या फेल होंगे, मेडिकल टेस्ट में फेल होंगे या पास होंगे। यदि मेडिकल टेस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे शुगर ज़्यादा आता है, BP ज़्यादा आता है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसका सोलूशन क्या है। साथ में ज्वाइनिंग मेल कब आने वाली है। साथ में एक दो स्टेट है, जैसे तेलंगाना है, वहाँ पर अभी मेल नहीं आई है। पंजाब में भी कुछ कैंडिडेट के पास अभी मेल नहीं आई है, तो मेल कब तक आएगी। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी LPT की वीडियो में बताया था, यदि आपने सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। ऐसे नॉर्मली LPT में किसी को भी फेल नहीं किया जाता है, जब तक कि वो क्वेश्चन में कुछ भी लिख कर ना आए। यदि आप कुछ लिखेंगे नहीं तो पास नहीं हो पाएंगे, अदरवाइज सभी पास हो जाएंगे। मेडिकल टेस्ट में नॉर्मली रिजेक्शन नहीं होता है। यदि मेडिकल टेस्ट में किसी को कोई माइनर प्रॉब्लम आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे रिजेक्शन नहीं होता है। वो फॉर्म पर लिख देते हैं और अप्रूव कर देते हैं SBI के लिए। यदि कोई डायबिटिक है, जैसे शुगर की जो मैक्सिमम लिमिट है 220 होती है, आफ्टर फूड यदि उसकी 220 की बजाय 230-240 आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, 300 है, 350 है, तो उसका रीटेस्ट करा लेते हैं। सिर्फ शुगर का टेस्ट हो जाता है, या उसको जो भी सलाह देनी होती है डॉक्टर उसको सलाह दे देते हैं। यदि BP भी आपका जैसे नॉर्मली 120 तक अपर रेंज रहती है, यदि आपका 130, 140, 150 तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा रहता है तो आपका BP फिर दोबारा से वो चेक करते हैं, और BP के लिए, शुगर के लिए, इन चीज़ों के लिए आपको कोई भी बाहर नहीं निकालता है। लेकिन यदि किसी को लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है तो तब मेडिकल में बाहर निकाला जा सकता है। दोस्तों, SBI की ज्वाइनिंग मेल नेक्स्ट वीक में मंडे ऑनवर्ड्स आने वाली है। मंडे से लेके वेनसडे तक ये पास ज्वाइनिंग की मेल आ जाएगी। आपको अपनी ज्वाइनिंग के लिए जो भी तैयारी करनी है वो तैयारी कर लीजिए। साथ में जब भी इसकी मेल आती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेके जाने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा। साथ में एक दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स के पास ऑफर लेटर अभी नहीं आया है, DV की डेट अभी आई नहीं है। जैसे तेलंगाना हुआ, पंजाब में भी कुछ बच्चों के पास मेल नहीं आई है, तो नेक्स्ट वीक के मंडे तक उनके पास मेल आ जाएगी। उनके पास समय कम रहेगा, इसलिए वो अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर ले, बायोडाटा का फॉर्म फिलअप कर ले, करेक्टर सर्टिफिकेट जो भी बनवाना है वो कंप्लीट करके रखे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मेल लेट आए और मेल आते ही उनको टाइम ना मिले वापस आने के लिए, उनका DV हो जाएगा, साथ में LPT मेडिकल हो जाएगा और साथ में उनको ज्वाइनिंग भी दे देंगे। दोस्तों, SBI में पैन इंडिया ज्वाइनिंग 17 अप्रैल की है, ये फाइनल है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। साथ में यदि आप 17 अप्रैल को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, चाहे रीजन आपके पास कुछ भी हो, यदि आप जानना चाहते हैं उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे आप एक्सटेंशन ले सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए, कमेंट सेक्शन में आप राइट कीजिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी ही शेयर कर दूंगा। दोस्तों, यदि इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। आगे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।